पहले रेल हादसे होते थे, रेल मंत्री जवाबदेही लेते थे, जमीर की आवाज पर इस्तीफा दिया करते थे। अब शायद जमीर की आवाजें नहीं होती हैं क्योंकि रेल मंत्री जवाबदेही नहीं लेते, इस्तीफा नहीं देते। भाजपा की सरकारों में इस्तीफे नहीं हुआ करते। आरपीएफ का जवान चेतन सिंह ट्रेनों में पूछ पूछ करके लोगों को गोली मारता है, लेकिन सरकार एक ट्वीट तक करना गवारा नहीं समझती, मंत्री जी एक शब्द बोलना नहीं चाहते। इन सुविधाओं को सुधारा जाए, मेरा यह अनुरोध है। धन्यवाद। सामाजिक संरचना में ये काम तो अंग्रेजों ने किया था, डिवाइड एंड रूल, और महात्मा गांधी ने इसी को यूनाइट किया। और एक उनका प्रसिद्ध भजन है, रघुपत राघो राजा राम, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सम्मत दे भगवान। आज अगर उस आज़ादी के दौर में ये हो रहा हो कि उसका दुरुपयोग शुरू हो जाए, मेरा सुझाव है कि जो लोग हेट स्पीच दें उनको चुनाव लड़ने से रोक लगानी चाहिए, और खास तौर से जो संवैधानिक पदों पर बैठे हों, अगर वो इसका दुरुपयोग करें तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने बहुत निश्चल मन से, बहुत स्पष्ट करते हुए चिंता अपनी व्यक्त की है हेट स्पीचेस पे, और अपील की है कि इसका राजनीतिक लाभ लेने के लिए अंग्रेजों वाली नीति न चले। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। हमारे पैर के छालों का क्या हुआ? कहां तो हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में यात्रा करेगा और लोकल ट्रेन वाला बुलेट ट्रेन में यात्रा करेगा। ऐसे नारे हम सुनते रहे और धरातल पर स्थिति यह हो गई कि रेलवे की पुरानी यात्री सुविधाएं भी रसातल में चली गईं। महोदय, देश में रेल को आम जनता का यातायात माना जाता है। क्या सरकार इस सस्ते सार्वजनिक परिवहन को असुरक्षित, असम्मानजनक और असुविधाजनक बना देगी? उपसभापति महोदय, आम जनता के लिए वेटिंग टिकट की समस्या इतनी बड़ी त्रासदी है कि इसे रेल मंत्रालय शायद समझना ही नहीं चाहता। महीनों पहले भी अगर ट्रेनों का टिकट लेने का प्रयास करिए तो अधिकांश टिकट वेटिंग में ही मिलेगा, या फिर तत्काल के नाम पर आपकी जेब लूटी जाएगी। आजकल तो डायनामिक फेयर के नाम पर डकैती चल रही है। महोदय, अभी पिछले महीने नवंबर में मुंबई से पटना जाने वाली सुविधा एक्सप्रेस में सेकंड एसी का फेयर 9,300। डकैती शब्द वेदर इट इज पार्लियामेंट, ठीक है सर, मैं उस शब्द को वापस ले रहा हूँ, मैं पुनः लूट शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ। डायनेमिक फेयर के नाम पे लूट चल रही है। अभी पिछले दिनों नवंबर में मुंबई से पटना जाने वाली सुविधा एक्सप्रेस में सेकंड एसी का फेयर 9,395 रुपए पहुंच गया था। बेस फेयर 2,950 रुपए था, उस पे 5,900 का डायनेमिक फेयर। गजब की लूट है। क्या रेल मंत्रालय ऐसी कोई तरकीब विकसित नहीं कर सकता जिसमें वेटिंग टिकट लेने वाले यात्रियों के लिए अलग से कोच लगाया जाए? उपसभापति महोदय, रेलवे में सुरक्षा और रेलवे की सुरक्षा आजकल दोनों भगवान भरोसे हैं। रेल दुर्घटनाओं की बाढ़ आ गई है। उड़ीसा के ट्रेन हादसे में मारे गए सैकड़ों यात्रियों के परिवारों के आंसू अभी सूखे नहीं है। पहले रेल हादसे होते थे, रेल मंत्री जवाबदेही लेते थे, जमीर की आवाज पर इस्तीफा दिया करते थे। अब शायद जमीर की आवाजें नहीं होती हैं क्योंकि रेल मंत्री जवाबदेही नहीं लेते, इस्तीफा नहीं देते। भाजपा की सरकारों में इस्तीफे नहीं हुआ करते। यात्रियों की सुरक्षा की सुध भला कौन ही ले जब मंत्री जी को फुर्सत ही नहीं है। 25 नवंबर को मध्य प्रदेश के मुंगावली स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रही महिला से जीआरपी अधिकारी गैंगरेप करता है। रेल मंत्री जी वंदे भारत के वीडियो ट्वीट करके अपडेट करते हैं। मैं उनसे कहूंगा कि कभी पटना, लखनऊ, इलाहाबाद से दिल्ली और मुंबई जाने वाली ट्रेनों के डिब्बों का वीडियो शूट करा करके आप ट्विटर पर डालिए, तब समझ में आए कि असलियत कहां पर है और सच्चाई कहां पर है। बुलेट ट्रेन की बाढ़ जो रहे इस देश के पास, लोकल ट्रेनों की सुविधाएं लगभग समाप्त हैं। आरपीएफ का जवान चेतन सिंह ट्रेनों में पूछ पूछ करके लोगों को गोली मारता है, लेकिन सरकार एक ट्वीट तक करना गवारा नहीं समझती, मंत्री जी एक शब्द बोलना नहीं चाहते। इन सुविधाओं को सुधारा जाए, मेरा यह अनुरोध है। धन्यवाद। मैं एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय की ओर आपका और आपके माध्यम से संपूर्ण सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। मानो भारत के संविधान के आर्टिकल 25 में सबको अपनी आस्था के अनुसार, धर्म के, विश्वास के पालन का अधिकार दिया गया है। इसके लिए वो स्वतंत्र हैं, परंतु कानून की अस्पष्टता के कारण इसका दुरुपयोग भी बहुत हो रहा है।
मैं उसी संदर्भ में मैंने ये प्रश्न उठाया है और मैं चाहता हूं कि इसे दलों से ऊपर उठकर इस संवेदनशील विषय पर हम विचार विमर्श करें। मानवर आईपीसी की धारा 295, फिर उसके बाद अगर आप देखें तो पूर्व नियोजित ढंग से अगर किसी की धर्म और आस्था पे प्रहार किया जाए या दुरुपयोग किया जाए तो फिर आईपीसी की धारा 153 के तहत मुकदमा कायम होता है। और सबसे बड़ी चिंता की बात है, मैं आपको विध आयोग की लॉ कमीशन की रिपोर्ट आपके सामने रखना चाहता हूं, जिसके अनुसार 2014 में कुल देश में 3 से 23 प्रकरण थे, 2020 में ये बढ़ गए 6 गुना और हो गए 1804, 2022 में 1500 अभी तक हो चुके हैं, अंत तक ये संख्या बढ़नी है। तो मैंने आपके सामने विध आयोग की रिपोर्ट और इसमें सबसे ज्यादा मुकदमे कायम हुए हैं उत्तर प्रदेश। मनवर, मेरे कहने का आशय सिर्फ इतना है कि सामाजिक संरचना में ये काम तो अंग्रेजों ने किया था, डिवाइड एंड रूल, और महात्मा गांधी ने इसी को यूनाइट किया और एक उनका प्रसिद्ध भजन है, रघुपत राघो राजा राम ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सम्मत दे भगवान। आज अगर उस आज़ादी के दौर में ये हो रहा हो कि उसका दुरुपयोग शुरू हो जाए और उसके बाद उसका परिणाम होता है दंगे फसाद उत्तेजना, और जो बात मैंने कही मैंने आंकड़ों सहित साबित कर दी कि ये उत्तरोत्तर वृद्धि की ओर है, तब इस राज्यसभा का या सरकार का दायित्व तो क्या है? वो इस परिस्थितियों से निपटने के लिए एक संकल्प ले, इन परिस्थितियों से निपटने के लिए वो कानून में आवश्यक तो संशोधन करें। और दुर्भाग्य है कि आज हमारे सरकार ज्यादा से बायोमेट्रिक लाभ लेने के लिए श्री यू नीड सम मोर टाइम ओके 1 मिनट मोर जैसे हो रही है राजनीतिक लाभ लेने के लिए हो रही है। तो मेरा सुझाव है कि जो लोग हेट स्पीच दें उनको चुनाव लड़ने से रोक लगानी चाहिए, और खास तौर से जो संवैधानिक पदों पर बैठे हों अगर वो इसका दुरुपयोग करें तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने बहुत निश्चल मन से बहुत अस्पष्ट करते हुए चिंता अपनी व्यक्त की है हेट स्पीचेज पे और अपील की है कि इसका राजनीतिक लाभ लेने के लिए अंग्रेजों वाली नीति न चले बल्कि महात्मा गांधी के बताए रास्ते पर हम चले। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।